नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y28s 5G versus Xiaomi Redmi 13C का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y28s में 6.44 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y28s में 2.98 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y28s में 0.33 इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y28s में 185 ग्राम्स जबकि Xiaomi Redmi 13C में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y28s से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo Y28s में LCD जबकि Xiaomi Redmi 13C में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y28s में 6.56 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 13C में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y28s में 720x1612px HD+ और Xiaomi Redmi 13C में 720x1600px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y28s में 84.01% जबकि Xiaomi Redmi 13C में 83.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y28s में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 13C में 260 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y28s में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 13C की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y28s में 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Redmi 13C की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y28s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Xiaomi Redmi 13C में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y28s में MediaTek Dimensity 6300 और Xiaomi Redmi 13C में MediaTek Dimensity 6100+ मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y28s में 4GB की RAM मिलती है जबकि Xiaomi Redmi 13C में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y28s में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Xiaomi Redmi 13C में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Vivo Y28s में Android V14 जबकि Xiaomi Redmi 13C में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
Vivo Y28S में दो कलर्स जबकि Xiaomi Redmi 13C में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y28S में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Redmi 13C की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,299 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 15,976 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Xiaomi Redmi 13C आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।